पार्टी कहीं न कहीं अपनी शिक्षा नीति, अपने स्कूल, इनके विषयों को सामने लाकर मनीष सिसोदिया की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रश्न उठता है, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने शराब का घोटाला किया या नहीं किया? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज दिल्ली में बच्चा बच्चा ये जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर के कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। और दुख का विषय यह है कि दिल्ली में बच्चों की जिंदगी को, स्कूल्स के आसपास जो बच्चे हैं उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं शराब घोल करके, कहीं ना कहीं दिल्ली में नशे को बढ़ा करके उसमें से कमीशन खोरी की जो बदबू थी, आज पूरे दिल्ली को ये पता है। एवरीवन नोस एस टू हाउ टू एनहांस देयर ओन कमीशन। द आम आदमी पार्टी हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू स्प्रेड एडिक्शन ऑफ लिकर इन दिल्ली, एक के साथ एक मुफ्त। किस प्रकार की नीतियों के माध्यम से स्कूलों के पास, वही अरविंद केजरीवाल, आप याद करिए 2014 के पहले जब चुनाव नहीं हुए थे तो यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, वहां पर हम मोहल्ला पार्लियामेंट करेंगे और वहां सदन में पूछेंगे महिलाओं से कि आप क्या चाहती, कि हमारे मोहल्ले में शराब की दुकान बंद होने चाहिए या खुलने चाहिए। बहुत शराब के ठेके खुल रहे हैं मोहल्लों में, ये शराब के ठेके अगर महिलाएं कहेंगी बंद होनी चाहिए तो हम बंद कर देंगे। ये प्रचलन में है ये वीडियो, हर कोई इस वीडियो को जानता है, देख चुका है अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो को। और वही अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीत कर आते हैं तो ठीक उससे उलट, कितनी कॉलोनियों में अधिक से अधिक शराब की दुकानें खोली जा सके, स्कूलों के पास कैसे शराब की दुकानें खोली जा सके, हमारे रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस के पास कैसे शराब की दुकान खोली जा सके, इसका पूरा का पूरा एक षड्यंत्र किया, केवल और केवल भ्रष्टाचार और कमीशन के लिए। हमने बार बार शराब मंत्री, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जी से कुछ सवाल पूछे थे। अरविंद केजरीवाल जी खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को टेक्निकल प्रश्नों के उत्तर देने भली भांति आते हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूं, इतने महीनों में, लगभग एक साल का समय गुजर गया, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने या उनके टीम में से किसी एक व्यक्ति ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर कोई टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? हमने सवाल पूछा था कि आखिर ये पॉलिसी आपकी, जो एक्साइज पॉलिसी थी, जो शराब नीति थी, ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी जिसके विषय में आप बोलते थक नहीं रहे थे कि इतने करोड़ों का हमें फायदा होगा, आखिर आपको वो आनंद फानंद में वापस क्यों लेना पड़ा? एक कारण आपने नहीं दिया। एक कारण दिए बगैर जब ये पूरा विषय कि इसमें घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जब ये कहा गया, when you were flagged by the LG that this is an important issue and there is some corruption in this, you in fact took away the excise policy, you withdrew the excise policy. The question is, the excise policy which you always appreciated, which you always in fact spoke in favor, why had you to take it back? Aapko use wapas kyun lena pada? दूसरा, हमने बार बार पूछा कि ये होलसेलर्स का कमीशन आपने 2% से बढ़ा करके 12% क्यों किया? क्या ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया कि इसका आधा कमीशन जो है रीरूटिंग होकर आपके ही पास आता था?
ये सारे स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से लेकर, क्योंकि मीडिया ने इसे अपने सोशल मीडिया साइट इत्यादि में डाला था, हमने इसे उजागर किया है, हमने सवाल पूछा था जब मीडिया ने दिखाया हमें कि ये जो आबकारी नीति थी, एक्साइज पॉलिसी थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखने से पहले इसे अपने व्यापारी मित्र जो शराब के व्यापारी थे, जो ठेकेदार थे, उनको लीक किया गया, पहले उन तक पहुंचाया गया ताकि जो उनके लाभ के विषय हैं वो उसे अपना ले और जो हानि के विषय हैं उसे ट्वीक कर दिया जाए, उसे चेंज कर दिया जाए। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमने सवाल पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो थी, कानून के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें ठेका नहीं दे सकते थे, मगर क्या कारण था कि मनीष सिसोदिया जी ने बतौर शराब मंत्री दिल्ली को शराब में डुबोने के लिए आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को भी ठेका दिया? क्या कारण था कि कानून में एक प्रावधान है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें रिटेल के काम में नहीं लाया जा सकता? इस पूरी एक्साइज पॉलिसी में कानून को दरकिनार करते हुए आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में डाला, इसका आपने किसी प्रकार से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्या कारण था, हमने पूछा, कि 144 करोड़ रुपया आपने अपने इन मित्रों का, जो शराब के ठेकेदार थे, लाइसेंस फी आपने माफ किया? इसका कोई उत्तर नहीं है। रेटोरिकल उत्तर है कि बीजेपी हमें छोड़ना नहीं चाहती है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर टेक्निकल उत्तर नहीं है। क्या कारण था कि इतने सारे स्टिंग ऑपरेशंस में जो सवाल उठाए गए थे, मनीष सिसोदिया जी को जब ये सवाल रूबरू होकर पूछा गया, मीडिया ने पूछा, तो मनीष सिसोदिया ने केवल ड्रामा कहकर इस पे कोई उत्तर नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए? स्वाभाविक है, जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसी इमोशन पे काम नहीं करती, जांच एजेंसी टेक्निकलिटी पे काम करती है। अगर 45-45 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए जाए, अगर सबूत मिटाने की कोशिश मोबाइल फोन के माध्यम से किया जाए, तो ये सारी चीजें सीबीआई और हमारी जो एजेंसीज हैं वो जानती है, वो पॉलिटिकल बॉडीज नहीं है, वो टेक्निकलिटी के आधार पर आगे बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से आबकारी नीति में, शराब नीति में, एक्साइज पॉलिसी में आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आपसे पूछताछ होगी। मैं अरविंद जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो हर दिन एक लिस्ट निकालती थी कि देश में सबसे भ्रष्ट ये 15 लोग हैं, देश में सबसे भ्रष्ट ये 20 लोग हैं। आप याद करिए, उस समय न वही होता था, न खाता होता था, कोई सबूत की बात आप नहीं करते थे, आप सिर्फ कहते थे हम जानते हैं, ये हम कह रहे हैं कि ये 5 लोग सबसे भ्रष्ट हैं। मैं नाम भी गिना सकता हूं और आपको भी याद है कौन कौन से नाम आप बोल रहे हैं। ये बात अलग है कि आज आप उनसे गले मिल रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, मगर उनका नाम आपने सबसे भ्रष्ट लोगों में गिनाया था। यहां केवल कोई पर्ची नहीं निकाली गई है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को अक्यूज्ड नंबर 1 शराब घोटाले में नहीं बनाया है। जांच के आधार पर मनीष सिसोदिया जी अक्यूज्ड नंबर 1 बने। जिस प्रकार से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मुझे तो शर्म आता है ये कहते हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा होगा। जस्ट इमेजिन एन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गेटिंग अरेस्टेड फॉर एक्साइज पॉलिसी। ये आंख खोलने वाला विषय है, ये चौंकाने वाला विषय है। बच्चे जो हिंदुस्तान के भविष्य हैं, स्कूल जो हिंदुस्तान के भविष्य को गढ़ता है, उस स्कूल के सामने शराब का ठेका खोलना और उस शराब के ठेके से 12-12% कमीशन लेना, उससे घोटाला करना, मनीष जी दुख होता है कहते हुए, यू प्लेड विद द लाइव्स ऑफ आवर किड्स, आपने हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, दिल्ली के बच्चों के जीवन के साथ, दिल्ली की महिलाओं के जीवन के साथ आपने ठीक नहीं किया।
जिन महिलाओं ने चीख चीख कर कहा कि हमारी कॉलोनी में 10-10 ठेके खोले जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, आपने सुना नहीं। और इसका कारण है कि आज आप सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस है। यह किसी प्रकार से भी राजनीति का विषय नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई या जंग हमेशा जारी रहेगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ राजनीति, नशा मुक्त राजनीति, यही भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कहते रही है। एजेंसीज एंड द पार्टीज, दीज आर सेपरेट इश्यूज। द वॉर वुड बी फॉट इन द बैटल ग्राउंड ऑफ कोर्ट्स, आप कोर्ट्स में लड़िए। सत्येंद्र जैन के लिए भी आप यही कह रहे थे कि वो बिल्कुल पाक साफ है, दूध के धुले हुए हैं, मगर कोर्ट ने अभी तक उन्हें बेल ग्रांट नहीं किया है। क्या कारण है कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट नहीं किया है? क्योंकि देयर इज मेरिट इन द केस, केस में मेरिट है, इसलिए बेल नहीं ग्रांट हुआ है। और आज बिल्कुल हम कह सकते हैं देयर इज मेरिट इन द केस ऑफ मनीष सिसोदिया'स करप्शन इन एक्साइज पॉलिसी, इसमें भी मेरिट है। इसलिए आप जिस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं, जिस प्रकार का दिखावा कर रहे हैं, दिखावे और ड्रामा से कुछ नहीं होता है, आप टेक्निकली इस विषय को जनता के सामने रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। अरविंद केजरीवाल जी इतना कुछ ट्वीट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से आप पूछिए कि जो 6 प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता पूछ रही है उसके उत्तर जरा ट्वीट कर दे कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया, 2% से बढ़ाकर के 12% कमीशन क्यों किया, मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के बिजनेस में क्यों लेकर आए, 144 CR क्यों माफ किया अपने मित्रों का, पॉलिसी को वापस क्यों लिया, इतने प्रश्नों का उत्तर अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट कर दें तो मुझे लगता है वो उचित होगा। यहां वहां की बातें ट्वीट करने से कोई लाभ नहीं है, कोर्ट में उसका कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।